ओके एवरीथिंग इज फाइन ओके सो ठीक सो हेलो स्टूडेंट्स वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं आज के इस लाइव सेशन में आप हमसे जुड़ चुके हैं डायरेक्टली एंड आप जैसा कि जानते हैं कि हर बार मैं क्लास के पहले आप उन न्यू स्टूडेंट्स के लिए ये नोटिफिकेशन मैं आपको देता हूँ ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो क्लास नाइन्थ टू ट्वेल्थ कातान अकेडमी ने फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लास प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है आप सभी लोग इसमें इनमेंट लेके क्लासेस को एंजॉय कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में चाहे कोई भी पैंडेमिक आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्लास नाइन्थ और ट्वेल्थ क्लास से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको लाइव क्लासेस के जो नोटिफिकेशंस हैं रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हैं वो आपको कातान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे तो आपको सारे, -सारे के सारे क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको पहले से ही मिल जाया करेंगे और अगर आप क्लास टेंथ और एलेवेंथ से बिलोंग करते हैं तो कातन अकेडमी लाइव नाम का यूट्यूब चैनल है आप उसको सब्सक्राइब करिए कातन अकेडमी लाइव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है तो आपको बहुत सारे और भी इस क्लास से जुड़े हुए लेक्चर्स मिलेंगे साथ में लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे जब आप बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे तो आप जानते ही आप तो आज के जनरेशन के स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं आपको सब कुछ मालूम है कि बेल आइकॉन को प्रेस करने के क्या फ़ायदे होते हैं ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन मिल सके हाँ सिर्फ घंटा ही नहीं बजाना सब्सक्राइब भी करना है ठीक है ना चलिए तो चलिए जी बहुत सारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हमसे जुड़ चुके हैं अरुण कुमार हेलो जी अरुण बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रियांशु हाय एंड गुड इवनिंग प्रियांशु एंड गुड इवनिंग अमन आई I मीन mean अरुण चलिए तो आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और जल्दी जल्दी से सभी स्टूडेंट्स इस क्लास के लिंक को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके और लोग क्लास का फ़ायदा उठा सकें ठीक है जी चलिए नमस्ते जी अरुण कुमार नमस्ते तो अब हम जानेंगे कि कैसे करें घर में बैठ के पूरी तैयारी ठीक है ना घर बैठे बैठे पूरी तैयारी करनी है तो फ्री ऑफ कॉस्ट इस सेशन में कर सकते हैं 2021 से लेके 2022 तक के सेशन में जिसकी इनरोलमेंट की जो लास्ट डेट है ये फिफ्टींथ ऑफ अगस्त है के डिजिटल एजुकेशन प्रोग्राम को आप ले सकते हैं डेली लाइव क्लासेस होंगी ऑनलाइन लेक्चर्स होंगे रेगुलर टेस्ट सीरीज भी होगी नाउ लेट्स टॉक अबाउट द चैप्टर एनिमल किंगडम लेक्चर नाइन। आइए इस नाइन्थ लेक्चर को स्टार्ट करते हैं चले जी सो so, हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्लास रेप्टीलिया के बारे में है ना क्लास रेप्टीलिया के बारे में डिस्कस करना है इन लोगों को सो so, ध्यान रखिएगा कि जो हमारा क्लास रेप्टीलिया है इसमें रेप्टाइल्स आते हैं कौन आते हैं बताइए रेप्टाइल्स तो क्लास रेप्टीलिया रिप्टर रिपेयर और रेप्टम टू मीन्स होता है टू क्रीप इसमें मेनली रेप्टाइल्स आते हैं रेप्टाइल्स वो एनिमल्स होते हैं जो क्रीपिंग नेचर के होते हैं क्रीप करते हैं जो क्रॉल करते हैं इंक्लूड्स अबाउट नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड स्पीसीज दैट इंक्लूड एनिमल्स लाइक लेजार क्रोकोडाइल्स टोर्टॉइस स्नेक्स यानी वो सभी एनिमल्स जिनकी बॉडी में स्केल्स होते हैं हार्ड स्केली स्किन होती है वो सभी रेप्टाइल्स में रखे गए कोल्ड ब्लडेड होते हैं अपने बॉडी के टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग टाइप का मूवमेंट शो करते हैं जैसे कि वॉल डिजर्ट है गार्डन डिजर्ट है टर्टल्स हैं टॉर्टॉइस हैं क्रोकोडाइल्स हैं आपको ऑलरेडी बताया रेप्टाइल्स आर द फर्स्ट फुल्ली अडाप्टेड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स यही सबसे पहले फुल्ली अडाप्टेड टेक्सट एनिमल्स बने क्योंकि इनसे पहले हमने पढ़े एम्फीबियंस वो तो फर्स्ट एनिमल थे लैंड एनिमल थे जो वाटर से आए थे अडाप्ट करके लैंड में और वाटर में भी रहते थे रेप्टिलियन ने तो हमने आपको अडाप्ट कर लिया लैंड में रहने के लिए ठीक है ना तो ये तो रेप्टिलिया की बात होगी ये क्लास रेप्टिलिया ठीक है ना चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सो क्लास रेप्टीलिया मीन्स टू प्री एनिमल्स कौन से आते हैं एग्जाम्पल भी उन्हें देख लिए और जोरेसिक पीरियड में रेप्टाइल्स ने इवन डाइनासॉर्स जोरासिक पार्क मूवी देखी होगी आपने डायनासॉर्स भी है ना रेप्टाइल्स ही थे ओके okay, तो अरुण बोल रहे हैं कि सर आई एम आदर्श ओके आदर्श वेरी वेरी गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका और फिर से हम अपनी लाइव क्लास को कंटिन्यू करते हैं और बताते हैं कि किस तरह से अर्थ पे लगभग 200 मिलियन ईयर्स तक डोमिनेट किया था जुरासिक पीरियड में ऑफ तो जोरासिकोईरा जब एवोल्यूशन पढ़ाया जाएगा तब बताएगा बताया जाएगा कि मीसो जोईकेरा के जुरासिक पीरियड में किस तरह से 200 हंड्रेड मिलियन ईयर्स तक इन लोगों ने यानी रेप्टाइल्स ने इस अर्थ को डोमिनेट किया था ऐसा नहीं कि अर्थ पे कुश्ती होती तो ये जीत जाते थे ऐसा कुछ नहीं डोमिनेट का मतलब होता कि हर जगह ये फैले हुए थे हर जगह रेप्टाइल्स ही रेप्टाइल्स डायनासॉर्स के फॉर्म में दिखाई दिया करते थे सभी बाकी एनिमल्स इनसे डरते थे क्योंकि तो ये सबको खा जाता था नाउ सो so इसी वजह से जो हमारा जो मीसो जोई के रहा है इसे हम लोग गोल्डन एज बोलते हैं रेप्टाइल्स में गोल्डन एज जब ये सबसे अच्छी तरह से सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से फल फूल रहे थे एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ह्यूज मैनीइज रेप्टाइल्स लिव्ड ऑन दिस अर्थ डाइनासॉर्स ये भी कोई कहने की बात है स्वाम ऑन वॉटर एंड फ्री इन द एयर, कि उड़ते भी थे उड़ने वाले रेप्टाइल्स भी थे पानी में तैरने वाले रेप्टाइल्स भी थे और लैंड पे रहने वाले बड़े बड़े डायनासोर के फॉर्म में रेप्टाइल्स भी थे इन फॉसिल रेप्टाइल्स को क्या बोला बताइए डायनासोर बोला एंड द लार्जेस्ट रेप्टाइल्स ऑफ टूडे आर पाइथन लार्जेस्ट रेप्टाइल्स को क्या बोला गया बताइए पाइथन बोला गया है टेन मीटर लॉन्ग क्रोकोडाइल्स सेवन मीटर लॉन्ग एंड कोमोडो ड्रैगन थ्री मीटर लॉन्ग इज दैट क्लियर नाउ द जनरल फीचर्स ऑफ रेप्टाइल्स आर गिवेन कुछ जनरल फीचर्स हैं जो यहां पे दिए हुए देखते हैं जैसे कि दे आर टेरिस्ट्रियल एंड अफ्यू ऑफ देम लिव इन दॉटर सच एज टॉट एंड क्रोकोडाइल समझिएगा बात कि ये टेरेस्ट्रियल होते हैं कैसे होते हैं बताइए टेरेस्ट्रियल होते हैं एंड फ्यू ऑफ देम लिव इन द वाटर इसमें से कुछ पानी में भी रहते हैं सच एज टोटॉइज एंड क्रोकोडाइल टॉर्टोइज एंड क्रोकोडाइल की यहां पे बात हो रही है द बॉडी में बी लॉन्ग सिलेंड्रिकल और शॉर्ट इनकी जो बॉडी होती है वो लॉन्ग भी हो सकती है सिलेंड्रिकल भी हो सकती है और शॉर्ट भी हो सकती है ये फीचर्स हैं आपको याद करने पड़ेंगे क्लास रेप्टीलिया के <coughs> मैंने क्या बताया आपको टेरेस्ट्रियल होते हैं कुछ पानी में भी रहते हैं जैसे क्रोकोडाइल टॉटॉइस इनकी बॉडी लॉन्ग सिलेंड्रिकल होती है अगर स्केल्स की बात करें तो ड्राई और रफ स्केल्स पाए जाते हैं नॉन ग्लैंडुलर स्किन पाई जाती है इट इज़ प्रोवाइडेड विद द हॉर्नीमल स्केल्स और स्कीूड्स हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स पाए जाते हैं या स्कीूड्स पाए जाते हैं अपेडिजिस की बात करेंगे वर ऑफ टू पेयर्स दो पेयर अपेंडिज पाए जाएंगे ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्स विद पावरफुल हॉर्नी क्लॉथ पावरफुल हॉर्नी क्लॉथ पाए जाएंगे लोकोमोटरी ऑर्गन आप किसी भी क्रोकोटाइल किसी भी रेप्टाइल को देख लीजिए टू पेयर लिम्स होते हैं पेंटाडक्टाइल लिम्स होते हैं पांच फिंगर्स पाई जाती हैं पावरफुल हॉर्नी क्लॉज होते हैं हॉर्नी क्लॉज यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग क्लॉज होते हैं फाइल वगैरह को भी खोज सकते हैं और लिम्ब जो होते हैं ये लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं एंडोस्केलेटन की बात करेंगे तो बोनी एंडोस्केलेटन पाया जाता है ऑब्वियस की बात है कार्टिलेश का तो होगा नहीं एंडोस्कल्टन स्ट्रॉन्ग बोनी होता है और मोनोकॉन्डाइलिक स्कल होता है मोनोकॉन्डाइलिक स्कल होता है फॉर आर्टिकुलेशन विद द वर्टिब्रल कॉलम ताकि वर्टिब्रल कॉलम से वो स्कल आर्टिकुलेट कर सके डाइजेस्टिव सिस्टम तो वेल डेवलप होगा क्योंकि रेप्टाइल्स है खाने पीने में बहुत माहिर होते हैं रेप्टाइल्स बहुत चटोरू होते हैं भाई खाने पीने में बहुत माहिर होते हैं जो मिल जाए खा लो बस किसी भी जानवर को खा जाते हैं क्रोकोडाइल को जानते ही हो बड़े बड़े जानवर को खा जाते हैं सो डाइजेस्टिव सिस्टम इज वेल डेवलप एंड द माउथ इज लार्ज विथ एक्ट डीत इन द बोथ ये एक जाता है एक्डोन टाइप का एक्चुअली में यह एकोडॉ टाइप का डेंटिशन क्या होता है मालूम एक जॉब से ही सीधे टीथ्स निकलते हैं जॉ बोन से तो एक टाइप का डेंटिशियन पाया जाता है जॉ बोन से एंड मूवेबल टू सॉलो द लार्ज लंग्स की बात करेंगे तो लंग्स आर रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स लंग्स आर

विथ टू ऑरिकल्स एंड वन वेंट्रिकल दो ऑरिकल होंगे और एक वेंट्रिकल होगा एंड दर्ड वेंट्रिकल इज इनकम्प्लीटली डिवाइडेड ये थर्ड है ना ये जो थर्ड वेंट्रिकल होगा ये हमारा इनकम्प्लीटली डिवाइडेड होगा ओके सो आदर्श बोल रहे हैं दैट टाइम ह्यूमन विल सर्वाइव देअर लाइफ रिप्टाइल्स के टाइम पे तो ह्यूमन बींग्स नहीं थे जब डायनासोर्स थे तब ह्यूमन बींग्स नहीं थे उसमें ये बाद में ओरिजिन हुई सो हार्ट इज यूजली थ्री चैम्बर्ड और जो थर्ड चैम्बर होता है ये पार्शली मतलब ये होता है पार्टीशन नहीं होता कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता सेप्टम नहीं होता है द हार्ट इज फोर चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल एक्सेप्शनल केस है याद कर लीजिए अभी से ही बहुत काम का है क्वेश्चन सारे सारे रेप्टाइल्स में थ्री एंड हाफ चैम्बर्ड हार्ट होता है या थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है जिसमें थर्ड वाला पार्शली डिवाइडेड होता है बट क्रोकोडाइल एक ऐसा रेप्टाइल है जिसमें चार चैंबर होते हैं हार्ट में आरवेसिस ओवल होती हैं बायोकॉन्वेक्स होती हैं और न्यूक्लिएट पाई जाती हैं ये बात भी ठीक है तो, नेक्स्ट पॉइंट है एक्सक्रीशन तो किडनीज होती हैं एक्सक्रीशन के लिए कॉर्डेट्स में किडनीज तो होती हैं आप जानते हैं द लैंड फॉर्म्स रिलीज यूरिक एसिड हाँ रेप्टाइल्स लैंड फॉर्म जो पानी मतलब जो पानी से दूर रहते हैं जैसे चिपके दीवारों पर चलती रहती है जो लैंड फॉर्म्स है वो सॉलिड पेस्ट के फॉर्म में यूरिक एसिड के फॉर्म में रिलीज करते हैं किसको बताइए नाइट्रोजन वेस्ट को वाई द एक्टिक फॉर्म्स एक्सक्रीट यूरिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक्वेटिक फॉर्म में यूरिया होता है एंड द नर्वस सिस्टम कंटेन्स ट्वेल्व पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व इनका जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें ट्वेल्व पेयर्स क्रेनियल नर्व पाई जाती हैं जबकि एम्फीबियंस में टेन पेयर्स पाई जाती थी सेंस ऑर्गन की बात करेंगे सेंस ऑर्गन ठीक है ना <coughs> सेंस ऑर्गन की बात करेंगे तो लाइक आईज़, ईयर्स जो कि टिम्पेनम रिप्रेजेंट करता है क्योंकि एक्सटर्नल ईयर पिन्ना नहीं होता आपने एम्फीबियंस को देखा एम्फीबियंस को देखा आपने वहां पे एक्सटर्नल ईयर पिन्ना एबसेंट था टिम्पेनम भी एक्सटर्नल ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा था वैसे यहां पे भी क्या होगा इनमें आईज और ईयर्स पाए जाएंगे बट जो टिमपैनम होगा वो एक्सटर्नल ईयर पेनर को रिप्रेजेंट करेगा एंड नोज आर वेल डेवलप्ड नोज जो होगी वो आपकी वेल डेवलप्ड होगी बट दे डू नॉट एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग इनमें एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं पाई जाएगी एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं पाई जाएगी बहुत सारे लगातार बच्चे हमसे जुड़ते चले जा रहे हैं बहुत बहुत स्वागत है कात्यान अकेडमी के इस लाइव सेशन में वेरी गुड So, हमने आपको बताया कि सेंस ऑर्गन पाए जाएंगे आईज पाए जाएंगे ईयर पाए जाएंगे इज दैट क्लियर आईज पाई जाएगी और क्या पाए जाएंगे ईयर पाए जाएंगे और साथ में एक बात और जो आपको ध्यान रखना है कि यहां पे वेल डेवलप सब कुछ होगा लेकिन यहां पे एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होगी एक्सटर्नल ईयर पिनना यहाँ पे नहीं होगा ठीक है ना ये थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना होगा आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड ठीक है ना रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड ये बात इंपॉर्टेंट है रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड इसका मतलब प्वाइकलोथर्मस इसका मतलब ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकते अगर बहुत ज़्यादा धूप में रहेंगे हाई टेम्परेचर पर रहेंगे तो पानी में इनको जाना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा देर ठंडक में रहेंगे यानी लो टेम्परेचर पर रहेंगे तो धूप खाने आना पड़ेगा मैं तो भाई चिड़ियाघर यानी जू गया था तो मैंने वहां पे देखा था क्रोकोडाइल वहाँ पर बड़े आराम से धूप में लेटा हुआ धूप खा रहा था जब उसको ऐसा फील हुआ कि बॉडी का टेम्परेचर उसका एम्बियंट हो चुका है या उससे ऊपर जा रहा है बढ़ रहा है तो वापस वो धीरे से खिसक लिए पानी के अंदर ताकि टेम्परेचर नॉ रहे और जब देखा टेम्परेचर उसका बहुत ज़्यादा लो हो रहा है तो वापस आ गया पानी के बाहर तो टर्टाइल्स आर द कोल्ड ब्लडेड और द द्वाइलोथर्मिक एनिमल्स दे हाइबरनेट इन द विंटर विंटर में ये हाइबरनेट करते हैं स्नैक्स एंड लिजार्ड्स शेड देर स्केल्स एंड स्किन कास्ट ठीक है ना ये अपने स्किन कास्ट को निकालते हैं वो सांप की के केचुअली देखी ना वही बोलते हैं उसको स्नेक्स की जो स्किन कास्ट होती है रिलीज करते हैं ठीक है ना ओके सो दीज आर यूनिसेक्चुअल ऑब्वियसली बात है सेक्सुअल डाइमोफिजम जो होगी इन लोगों में पाई जाती है और ये यूनिसेक्चुअल होते हैं मेल फीमेल अलग अलग होते हैं एंड द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन कैसा होता है बताइए इंटरनल होता है सो मोस्ट रिप्टाइल्स आर ओविपेरस जो मोस्ट रिप्टाइल्स होते हैं कैसे होते बताइए ओविपेरस होते हैं एंड सम आर ओवोवेपरस कुछ ओवोवेपरस भी होते हैं जैसे कि वाइपर्स एंड सी स्नेक्स एगले करते हैं लेकिन बाहर नहीं एग आता है बॉडी के वो अंदर ही रहता है सीधे हैच करके बेबी बाहर आते हैं इसे बोलते हैं ओवोवेपरस ठीक है ना सो दीज आर यूनिसेक्सुअल ये यूनिसेक्सुअल होते हैं इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होता है एंड मोस्ट रेप्टाइल्स आर ओवीपेरस ये ओ वी होते हैं एंड सम आर ओवो वीवी पेरस सच एज वाइपर्स एंड सी स्नेक्स एग्जैक्ट बहुत ही क्लियर है ये बहुत क्लियर कट कि वाइपर है सी स्नेक है ये दोनों ही ओवो वीवीपरस होते हैं, आपको याद करना पड़ेगा रेप्टाइल्स हैं कुछ फीचर्स हैं इनके आपको याद करना पड़ेगा स्टूडेंट्स क्लियर है ना सारी बातें चलिए जाए अब हम आगे बढ़ेंगे और अपने कुछ और जो स्पेशल पॉइंट्स हैं उनको समझ के एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करेंगे कि रेप्टाइल क्लास रेप्टिलिया में कौन कौन से और भी एग्जाम्पल्स आते हैं उनका अलग अलग नाम क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट्स आपको याद ही करना होगा ये से. क्योंकि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इनका अपना एक महत्व है सो एक्स आर रिटेन्ड इन साइड द बॉडी ऑफ द मदर जनरली बॉडी के अंदर यानी मदर बॉडी के अंदर एक्स रिटेन रहेंगे एंड ग्रोइंग एम्ब्रियोस डिराइव शेल्टर एंड नरिशमेंट फ्रॉम द मदर और जो ग्रोइंग एम्ब्रियो होंगे वो मदर की बॉडी के अंदर नरिशमेंट लेंगे और शेल्टर उनको मिल जाएगा तो वो सेफ रहेंगे और डेवलपमेंट जो होता है वो डायरेक्ट होता है ऑब्वियस ये बात है जितने भी हायर एनिमल्स हैं हायर क्लासेस हैं उनमें डेवलपमेंट डायरेक्ट ही होता है लारुल स्टेज नहीं पाई जाती यानी कि रेप्टाइल्स में भी डायरेक्ट डेवलपमेंट है आगे आने वाले क्लास एवीज यानी बर्ड्स में भी डायरेक्ट डेवलपमेंट है और उसके आगे जो मेमोलिया मेमोलिया क्लास में है उसमें भी डायरेक्ट डेवलपमेंट है एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो कैलोट्स यानी कि गार्डन लेजर्ड ये भी एक रेप्टाइल ड्रैको फ्लाइंग ये भी एक रेप्टाइल कैमेलियन आर्बोरियल लिजर्ड जो पेड़ पे रहता है है ना जिसे गिरगिट भी शायद बोलते हैं ये आपका आर्बोरियल लिजर्ड है हेमी डेक्टाइल वॉल जो घर में मिल जाता है चिपकी रहती है चिपकली क्रोकोडिलस यानी क्रोकोडाइल साइंटिफिक नेम ऑफ क्रोकोडाइलिस एलिगेटर एस्फीनोड इजारा द लिविंग फॉसिल नाजा कोबरा कोबरा का साइंटिफिक नेम नाजा 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 बैंगेरस करैत करैत एक सांप होता है बहुत जहरीला होता है उसका नाम बैंगरस एंड वाइपेरा वाइपर का होता है जिसमें उसकी टेल वाइब्रेट करती है, जब भी उसको ख़तरा लगता था ये देखिए ये हमारे रेप्टाइल्स हैं बहुत खतरनाक होते हैं एक समय था बड़े बड़े रेप्टाइल्स पाए जाते थे छोटे छोटे नहीं बड़े बड़े पाए जाते थे और इस अर्थ पे डोमिनेट किया है किसी को रहने नहीं दिया बाकी जानवरों को तो रहना बिल्कुल दूबर कर दिया था ये जब तक रहे तब तक दूसरे जानवर तो फल फूल पाए नहीं स्पाइनी सॉफ्ट सेल टर्टल होता है रेप्टाइल टर्टल है एक्वेटिक है इसको तो आप जानते ही बताने की जरूरत नहीं है कितना बड़ा मुंह है भैया डरता है हम तो सब लोग डरते हैं इससे तो ये क्रोकोडाइल है क्रोकोडिलस ये ग्रीन इगुआना है सी शोर के पास पाया जाता है ट्वारा है स्पिनोडॉन वाइट बेल्ड वॉम लिजर्ड है ये जानट गैलापोगोस स्टॉटवाइज है बहुत बड़े बड़े होते हैं गैलापोगोस स्टॉट बहुत बड़े है ना गैलापोग आइलैंड पे पाए जाते हैं ये आपका सी टर्टल है ये आपका ईस्टर्न डायमंड बैक रेटल स्नेक है बहुत ही फेमस है भैया ये तो नेशनल ज्योग्राफिक डिस्कवरी चैनल पर इसी की धुआंधार वीडियो बनती है रहती है ईस्टर्न डायमंड बैक रेटल स्नेक बहुत टॉक्सिक टॉक्सिक होता है ये तो ये सारे हमारे रेप्टाइल्स जितने भी स्नेक्स हैं टॉटवाइज हैं ये सभी और क्रोकोडाइल्स हैं सभी रेप्टाइल्स में आते हैं ठीक है ना क्लियर है ना वेरी गुड अभी फ़िलहाल हम डिस्कस करते हैं एवीज़ के बारे में क्लास एवीज क्लास एवीज स्टूडेंट्स अगर हम क्लास एवीज के बारे में बात करें आपसे तो इसमें मेनली आती हैं बर्ड्स बताइए कौन आता है बर्ड्स आते हैं। मेनली बर्ड्स का इसमें यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है एंड द क्लास एवीज यानी कि बर्ड्स और जो फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स होते हैं लगभग टेन थाउजेंड फिफ्टी टू स्पीसीज इसमें इंक्लूड की गई हैं इस क्लास में एंड इमेंस वराइटी इन द बर्ड इज फाउंड सच एज द पैरेट आप जानते हैं बर्ड्स के बारे में पैरट पिजन क्रो कुकू कुकू कोयल ऑस्ट्रिच पेंगुइंस पेंगुइंस भी बर्ड्स में आते हैं डग्स स्पैरो किंगफिशर एग्जैक्ट मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा द जनरल फीचर्स ऑफ द क्लास एवीज आर गिवेन ये कुछ एवीज़ के जनरल फीचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं नोट नोट पॉइंट देखिए पहले क्या है बर्ड्स आर वेल नोन फॉर देयर अट्रैक्टिव बॉडी कलर्स बिल्कुल सही बात है पीकॉक को देख के तो बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को जू में जाओ तो और भी बहुत सारी ऐसी बर्ड्स मिलती जो ब्यूटीफुल होती हैं पैरट को देख के कितना ब्यूटीफुल लगता है तो बर्ड्स अपने ब्यूटीफुल कलर की वजह से अट्रैक्टिव दिखती हैं एंड द इंटरेस्टिंग हैबिट्स लाइक सिंगिंग नेस्ट बिल्डिंग पैरेंटल केयर एंड माइग्रेशन सिंगिंग भी करती है बुलबुल -बुल. सिंगिंग करती है कोयल की इतनी मीठी आवाज़ होती है नेस्ट कुछ बर्ड्स का नेस्ट बहुत अच्छा होता है आप देखेंगे तो बहुत अट्रैक्टिव होता है कितने महन से बनाती हैं एक एक दाना लेके साथ में और भी कुछ हैबिट्स हैं जैसे कि पेरेंटल केयर है पेरेंटल केयर की बात अगर स्टूडेंट्स की जाए तो आप उसको भी देखिए कि बहुत अच्छी पेरेंटल केयर होती है किस तरह से ये दाना चुप के लाती हैं और अपने बच्चों को खिलाती हैं एंड माइग्रेशन टेम्प्रेरी मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ये भी इनमें पाया जाता है <coughs> ताकि अनफेवरेबल टाइम पे ये वहां से मूव कर जाए सो बर्ड्स हैव एरियल मोड ऑफ लाइफ ये कुछ फीचर्स यहां से स्टार्ट हो रहे हैं कि बर्ड्स जो होती हैं इनमें एरियल मोड होता है लाइफ का एरियल मोड ऑफ लाइफ पाया जाता है इसका मतलब दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन एयर जब भी देखते हैं तो चिड़िया आसमान में उड़ती रहती है या पेड़ पर पे बैठी मिलती है जमीन में चलते हुए बहुत कम देखा होगा आपने हाँ छत में अगर कुछ खाने पीने का सामान अगर जैसे गेहूं वगैरह किसी सिंध फैलाएं धुल के चावल वगैरह या कोई भी खाने का सीरियल वगैरह कोई फैला हुआ है तो उस कंडीशन में वहाँ पे पेजेंस आ जाते हैं क्रो आ जाते हैं बैठ के खाते रहते हैं पैरट्स भी आते हैं और दूसरी बर्ड्स भी आती हैं सो बर्ड्स है एरियल मोड ऑफ लाइफ दैट इज़ दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन द एयर ठीक है ना एंड आर्बोरियल आर्बोरियल मीन्स प्लांट पे जो रहते हैं और जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है एवीज़ के यहाँ पे यह ये दिए हुए हैं एवीज दिस इज द वी एक्चुअली ओके यहाँ पे तो कुछ दिए हुए हैं जैसे कि जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है ताकि हवा में बिल्कुल ये हवा को चीरते हुए उड़ सके इट इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड नेक एंड ट्रंक और साथ में टेल भी पाया जाता है हेड होगी नेक होगी पीकॉक के नेक देखिए ना पीकॉक नेक कितनी लंबी निकाल लेता है तो हेड है नेक है ट्रंक है और टेल टेल की वजह से तो पीकॉक फेमस होता है कितना ज्यादा टेल को फैला लेता है वो है ना ठीक एग्जोस्कल्टन की अगर बात करेंगे तो एग्जोस्किल्टन लाइट फेदर से बना हुआ है बाहर का जो स्किल्टन है एग्जोस्कल्टन हमारे एक में क्या आता है हेयर्स आते हैं नेल्स आते हैं स्किन आती है हुफ्स हम लोगों में तो होते नहीं है तो स्किन है नेल्स है हेयर्स हम लोगों में इनके एक में है फेदर्स आते हैं लाइट फेदर्स कितने अच्छे होते हैं मखमली कुछ लोग तो बुक्स में रखते हैं अपने फेदर्स जिनको मिल जाते हैं इट एक्ट एज इंसुलेट एज और इंसुलेटिंग लेयर ये इंसुलेटिंग लेयर का काम करता है एंड हेल्प इन फाइट आई मीन फ्लाइट फ्लाइट में कहाँ से हेल्प कर देगा लड़ने में तो नहीं लड़ने में तो बीक हेल्प करती है कभी कभी यहाँ पंख से भी फटफड़ा फड़वा के आपस में लड़ लेते हैं बट मेनली इनके पंजे होते हैं क्लॉज उससे भी कभी कभी लड़ते हैं ये ईगस को लड़ते हुए देखा पंजों का यूज़ करते हैं वो बेचारे सो so, इंसुलेटिंग का काम होता है मेनली और फ्लाइट में हेल्प करते हैं क्योंकि लाइट वेट होते हैं स्ट्रीम लाइन बॉडी इनको हेल्प करती है फ्लाइट करने में मोस्ट ऑफ दैम फ्लाई एक्सेप्ट द फ्लाइटलेस बर्ड्स कुछ फ्लाइटलेस बर्ड्स भी होती हैं उसके अलावा सारी बर्ड्स मूव करती हैं 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 जैसे कि कीवी, आर जो होती है कि ड्राई होती इनकी है, इसमें नहीं पाए जाते सिर्फ टेल के बेस पर पाई जाती. बात याद कर लीजिएगा. ठीक है ना सो बर्ड्स हैं, आर्बोरियल होते हैं स्टीम बॉडी होती नेक टेल और ट्रंक होता है टेल के बेस पे ऑयल ग्लैंड ऐप प्रिंग लैंडस प्रिंग नहीं लिखा पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑयल गैंड प्रिंग लैंडस पाई जाती हैं और साथ में ये फ्लाइटलेस बर्ड्स भी कुछ होते हैं ऑस्ट्रिच है एमू है कीवी है पेंगुइस हैं इनका भी आप नाम याद कर लीजिए और साथ में इनमें लाइट फेदर्स होते हैं जो उनको उड़ने में हेल्प करते हैं इंसुलेशन का भी काम करते हैं ठीक है ना ये कुछ फीचर्स हैं बर्ड्स के आपको याद करने पड़ेंगे और आपको ईजिली याद भी हो जाएंगे और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके सामने आ चुका है एग्जोस्किल्टन की बात तो कर ली क्या हाँ, फेदर्स होते हैं बट एंडल्टन की बात करते हैं ऐसा क्या होता है कि इनकी हड्डियों में वेट नहीं होता क्या <coughs> इनकी हड्डियां होलो होती हैं न्यूमेटिक बोन्स होती हैं ऐसी बोन्स जिनमें एयर कैविटी परसेंट जो उनकी बोन्स को लाइट बनाते सो एंडोस्केलेटन इज फुल्ली फुल्लीसीफाइड हड्डियों का तो होता है बोन ही होता है लेकिन इसमें लाइट बोन्स होती हैं विद एयर कैविटी दैट इज न्यूमेटिक बोन्स ऐसी होलो एयर कैविटी वाली बोन्स को हम बोलते हैं न्यूमेटिक बोन्स क्या बोलते हैं बताइए न्यूमेटिक बोन्स बोलते हैं ये या आप याद कर लीजिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि न्यूमेटिक बोन्स क्या होती हैं तो आप बताएंगे कि लाइट बोन्स होती हैं एयर कैविटी पाई जाती है ये बर्ड्स में पाई जाती हैं मैं अभी आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा न्यूमेटिक बोन का अगर हम लोको मोशन की बात करेंगे तो लोको मोशन जो होता है वो मेनली विंग्स के थ्रू होता है ये बस उड़ती ही रहती हैं आसमान में एंड दे हैव अ मॉडिफाइड फोर्डिंग्स इन टू विंग्स आप जानते हैं कि हम लोगों में Uh, ये हमारे फोर लिम्स होते हैं नीचे हाइंड लिम्स होते हैं ऐसे ही इनमें बर्ड्स में भी फोर लिम्स होते हैं वो विंग्स में मॉडिफाइड हो चुके होते हैं और जो हाइंड लिम्स होते हैं वो चलने में हेल्प करते हैं तो हाइंड लिम्स जनरली हैव स्केल्स उसमें हार्ड स्केल्स होते हैं एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग स्विमिंग और क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस पकड़ के पंजों से बैठ जाएंगे पेड़ों पर पे, स्विम कर सकते हैं जैसे बतख वगैरह स्विम करती हैं अगर वेब्ड होंगे तो वेब टोज पाए जाएंगे वॉकिंग भी कर सकती हैं चल सकती हैं द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ बर्ड्स एज एडिशनल चैम्बर्स बर्ड्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसमें एडिशनल चैम्बर्स भी पाए जाते हैं एंड अ क्रॉप एंड द गिट क्रॉप भी पाई जाती है और साथ में गिजार्ट भी पाया जाता है एलिन्ट्री कैनाल लीड इन टू अ थ्री चैम्बर्ड क्लोइका और जो एलिन्ट्री कैनाल होती है वो थ्री चैम्बर्ड क्लोइका में ओपन होती है ठीक है ना क्लोइका एक कॉमन ओपनिंग होती है जिससे फीकल मैटर नाइट्रोजनस फेस्ट और यूरिन एक्सप्रेशन भी होता है साथ में ये देखिए न्यूमेटिक बोन्स हैं एवियन बोन्स इसको हम बोलते हैं ये पक्षियों की हड्डियां हैं ये ज़्यादातर न्यूमेटिक बोन्स लार्ज एयर पॉकेट्स पाए जा रहे हैं बोन्स और बोन मैरो भी पाई जा रही ठीक है ना क्लियर है ना तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं नेक्स्ट है हमारा लंग्स के बारे में कि लंग्स आर रिस्पायरेटरी ऑर्गन विच आर स्पॉन्जी, इनके जो लंग्स होते हैं या अगर उसकी बात की जाए तो ये मेनली ये रिस्पायरेटरी ऑर्गनस होते हैं स्पॉन्जी होते हैं और इन इलास्टिक होते हैं लंग्स आर रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स, स्पॉन्जी होते हैं और इन इलास्टिक होते हैं एंड आर कनेक्टेड टू अ लार्ज एयर सैक्स ये लार्ज एयर सेक्ट से कनेक्टेड होते हैं द फेरिंग्स इज विदाउट वॉइस बॉक्स फेरिंग्स में वॉइस बॉक्स नहीं होता है एंड द वॉइस इज प्रोड्यूस बाई द स्पेशल ऑर्गन स बेस ऑफ द ट्रैकिया ट्रैकिया के बेस पे तो ट्रैकिया के बेस पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जो कि वॉइस प्रोड्यूस करने का काम करता है उसे बोलते हैं सैरिंग्स याद कर लीजिए क्या बोलते हैं सैरिंग्स बोलते हैं अब एक्सप्रीटरी ऑर्गन की बात करेंगे तो एक्सप्रेशन के लिए इनमें भी किडनी ही प्रेजेंट होंगी जैसे कि रेप्टाइल्स में होती है तो एक्सट्रीटरी ऑर्गन्स आर किडनीज दैट आर मेटानफ्रिक इन एडल्ट्स एडल्ट्स में मेटानिफ्रिक नेचर की होती हैं एंड एक्सिटरी मैटर जो होता है मेनली यूरिक एसिड होता है और यूरिन इज सेमी सॉलिड पानी से दूर रहते हैं ना तो जो भी ऑर्गेनिज्म जो भी बर्ड्स या रेप्टाइल्स पानी से दूर रहते हैं उनमें हमेशा याद रखिएगा नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिक एसिड ही होता है ठीक है ना जो पानी के अंदर रहते हैं उनमें अमोनिया नाइट्रोजनस वेस्ट होता है जो पानी के पास रहते हैं उनमें यूरिया होता है ऐसा नाइट्रोजनस वेस्ट और बर्ड्स तो आसमान में पेड़ में रहते हैं पानी से बहुत दूर रहते हैं इनमें नाइट्रोजन वेस्ट क्या होगा बताइए यूरिक एसिड होगा तो एक्सक्रीटरी मैटर इज मेनली यूरिक एसिड एंड यूरिन इज सेमी सॉलिड नेक्स्ट क्या है बताइए हार्ट इज फोर चैम्बर्ड हार्ट जो होता है वो क्या होता है बताइए फोर चैम्बर्ड होता है विथ टू ऑरिकल्स एंड टू वेंट्रिकल्स टू ओरिकल होते हैं और टू वेंट्रिकल्स होते हैं and only right arch सिर्फ right arch ही करता है। अब बात करेंगे आरबीसी के बारे में तो ये रही हमारी ब्लड सेल्स ये ओवल होती हैं बाइकॉन्वेक्स होती हैं और nucleated होती। हैं ओवल बाईक एंड न्यूक्लिएटेड आरबीसी पाई जाती है ये बात भी याद रखिएगा नेक्स्ट पॉइंट है कि जो बर्ड्स होती हैं ये वार्म ब्लडेड होती हैं या इन्हें हम फोबियोथर्मल भी बोलते हैं यानी इसका सीधा सा मतलब है कि अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकती है लेट इज दे मेंटेन द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा इन्वायरमेंट का टेम्परेचर फ्लक्चुएट करे बट इनका कॉन्स्टेंट है कुछ पॉइंट से याद करते जाइए इन्हें नर्वस सिस्टम जो होता है इसमें ट्वेल्व पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं हम लोगों में भी ट्वेल्व पेयर करर्वस होती हैं बर्ड्स में यानी एवीज क्लास में भी ट्वेल्व पेयर ऑफ क्रीनिनल नर्व्स होती हैं रेप्टाइल्स में भी ट्वेल्व पेयर्स ऑफ क्रीनिनल नर्व्स होती हैं लेकिन एम्फीबियंस में होती है टेन पेयर्स क्लियर नाउ सेक्सेस की बात करेंगे तो सेक्सेस सेपरेट होते हैं कोई भी बर्ड बाई नहीं होती है मेल फीमेल बर्ड्स अलग अलग होती हैं और सेक्सुअल डाइमोरफिजम भी पाई जाती है जैसे मोर और मोरनी को पहचान सकते हैं लेफ्ट ओवरी इज प्रेजेंट इन द फीमेल्स है ना एंड वाइल द राइट वन इज एब्सेंट फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल ये बात इंपॉर्टेंट है फर्टिलाइजेशन जो है वो कैसा होता बताइए इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है ओवीपेर होते हैं एगले करते हैं बट फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है पहले एग फर्टिलाइज हो जाता है उसके बाद वो बाहर आता है बॉडी के एंड बर्ड्स आर ओवीपे जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं एग्स जो होते हैं उनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेमब्रेन और डेवलपमेंट पाया जाता है साथ में डेवलपमेंट जो होता है वो डायरेक्ट होता है ये याद कर लीजिएगा डायरेक्ट मतलब कि लार्वल स्टेज नहीं है मैंने पहले बोल दिया कि हायर क्लासेस में हायर फाइलम्स में लार्वल स्टेजेस नहीं पाई जाती हैं ठीक है ना तो ये ओवीपेरस है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा डायरेक्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन भी पाई जाएगी और इंपॉर्टेंट बात न्यूमेटिक बोन्स किसकी बात की मैंने बताइए न्यूमेटिक बोन्स पाई जाती हैं और वो तो हो चुका है ना अब एक खास बात है एग इसको शॉर्ट में अगर समझने की कोशिश की जाए तो शेल्ड एग जो क्लिडोइ एग होते हैं क्या बोलते हैं शेल्ड एग बोलते हैं ये शेल्ड एग पाए जाते हैं एंड आर कवर्ड अ शेल मैं आपको भी डायग्राम दिखाऊंगा शेल्ड एग का डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगा अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल बात करते हैं कुछ फ्लाइटलेस बर्ड्स के आई मीन फ्लाइट बर्ड्स की और फिर फ्लाइटलेस बर्ड की फ्लाइटलेस बर्ड ये दी हुई हैं और ये फ्लाइट बर्ड दी हैं जो उड़ सकती हैं जैसे कॉरबस स्पलेंडस क्रो होता है ये आपका पैसर होता है स्पैरो कोलंबा पिजन स्टैकुला होता है पैरेट और आपका एंड्स डक होता है पै या क्रिस्टस आपका ये पिकॉक एंड मिल्वस काइट एंड वल्चर ये आर द साइंटिफिक नेम ऑफ दर्ड फ्लाइटिस बर्ड में एमो आता है कीवी आता है रीहा आता है ऑस्ट्रोथियो स्ट्रोथियो को क्या बोलते हैं ऑस्ट्रिच ऑस्ट्रिथियो ऑस्ट्रिच एक ही बात है एंड एप्टेनोडाइटिस यानी कि पेंगुइन आते हैं ये स्टूडेंट्स याद कर लीजिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं और ये आपको याद करने ये सारे, -सारे के सारे एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप इसको याद कर लीजिए बिल्कुल ठीक है ना चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे जैसे मैंने आपसे कहा था क्लिडोइक एग के बारे में जो हमारे ये क्लिडोइक एग यहाँ पे साफ साफ दिख रहे हैं ये क्लिडोइक एग ये ऐसे एक जिसके आसपास ये हार्ड शेल पाया जाएगा इन शेल्ड एग को ही हम बोलते हैं क्लिडोइक एग इसके अंदर स्टोर्ड फूड होता है योग होता है एम्ब्रियो बन रहा होता है ये रहा एम्ब्रियो ये रहा उसका शेल अंदर कोरियोन यानी एक्स्ट्रा एमब्रियोनिक मेम्ब्रेन भी आपको दिख रही है है ना यानी कि एमनीन है एलेंटोइस है योक्सैक है ठीक है ना और ये कोरियोन है चलो भाई एमियोन ही करियोन है ये देखिए बर्ड्स एग्जाम्पल ये रहा ऑस्टिच आपने देखा भी होगा जो आपके जूह होते हैं चिड़ियाघर माइना ये बहुत सारी जब आप गांव में जाएंगे तो मिठाई की दुकानों में मिल जाती है होटल्स वगैरह जो होते हैं ना छप्पर वाले वहाँ पे बहुत मिलती है ये पैरेट मकैक मकाऊ आई मीन एंड स्पैरो गौरैया आप तो दिखनी कम हो गई है तो घरों में पानी रखिए और इनके लिए रखिए तो आएंगी ये घर में आपके रिहा ऑस्ट्रिच के जैसे ही होती है बट थोड़ा साइज़ छोटा होता है एंड पेंगुइन तो और भी छोटे होते हैं बट बहुत क्यूट होते हैं लगता है बस घर उठा लो लेकिन डेंजरस भी हो सकते हैं कभी कभी फ्लाइटलेस बर्ड होते हैं पेंगुइन क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं हम लोग क्लास मेमेलिया की ठीक है क्लास मेमेलिया भैया अगर क्लास में मेमेलिया की बात की जाए तो क्लास में मेमेलिया में वो सारी बातें हम लोगों को पढ़नी जो अपनी है अपने बारे में सब कुछ पढ़ना है मैमल हम लोग भी हैं जो हमारे फीचर्स हैं वही मैमल के फीचर्स हैं ऐसे भी बोल सकते हैं सो द क्लास मैमेलिया दैट इज द मैमल मीन ब्रीस्ट इंक्लूड्स अबाउट फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड नाइन्टी नाइन स्पीसीज फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड नाइन्टी नाइन स्पीसीज इसमें पाई जाती हैं एंड एग्जाम्पल्स ऑफ मैमेलिया आर बैट्स टाइगर्स लॉयस एलिफेंट्स व्हील्स रेड रैबिट हॉर्स शीप मोंकी अपने घर के आसपास जितने भी मेमल देख लो जो भी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं जिनमें भी मेमरिक लैंड्स पाई जाती है वो सारे के सारे मैमल्स जिनमें जिनमें जिन भी मेमरिक लैंड्स पाई जाती हैं या जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो सभी एग्जाम्पल हैं बताइए मैमल्स का ठीक है ना ये बात याद कर लीजिएगा तो ये हमारे हो गए क्लास में मैं लिया बहुत इंपॉर्टेंट है भाई क्लास में मैं लिया याद कर लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स क्लास में मैं मे लिया और आपको मालूम होना चाहिए कि ये क्लास में मिले के एग्जाम्पल्स हैं इसमें बैट्स हैं टाइगर हैं ठीक है ना बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है साथ में हॉर्सेस हैं शीप है ये सारे इनमें पाए जाते हैं ठीक है चलिए आगे देखते हैं फटाफट से चीज़ों को डिस्कस करते हैं ने क्या बताया एग्जाम्पल्स ऑफ क्लास मैम एंडल वॉज इंट्रोड्यूस बाई दिनियस इन सेवनटीन फिफ्टी एट सेवनटीन फिफ्टी एट में, में लीनियस ने यह टर्म इंट्रोड्यूस कराया एंड द जनरल फीचर्स ऑफ द क्लास में आर एस फॉलो कुछ जनरल फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं क्लास में मिले बस थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ जल्दी से इसको फिनिश करते हैं में में क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखिए कितने प्यारे प्यारे बने हुए हैं बचपन में भी पढ़ते हुए तो बहुत प्यारा लग रहा है छोटा सा छोटंकूसा लेकिन बहुत डेंजरस लगता है जब खोपड़ी के ऊपर से उड़ के निकल जाता है एक्चुअली मन में इको सिस्टम होता है तो इको की वजह से ये साउंड वाइब्रेशन भेजते हैं हाई फ्रीकवेंसी साउंड वेव्स होती हैं जो टकरा के वापस जाती हैं और ये लड़ते नहीं बिरते नहीं कहीं भी एलिफेंट मैमल है केंगे काउ मंगूस रैट रैबिट डॉल्फिन वेल सब मैमल है हाँ शहर मैमल नहीं है डॉल्फिन मैमल है वेल मैमल है और जो बबून होता है बंदर वो तो है ही है और आपका जो कंगारू हैं चूहे हैं ये सभी रैबिट्स वगैरह मैमल में आते हैं आइए मेमल्स के कुछ फीचर्स की बात करते हैं क्या फीचर्स पाए जाते हैं मेमल तो मेमल्स आर फाउंड इन द वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में पाए जाते हैं सच एज फॉरेस्ट ग्रासलैंड माउंटेन्स डेजर्ट पोलर आइस कैप्स केव्स एक्सेट्रा सम ऑफ देम हैव अडॉप्टेड टू तो फ्लाई और लिव इन द वाटर इसमें से तो कुछ जो होते हैं वो फ्लाई भी कर सकते हैं कुछ मैमल उड़ भी लेते हैं अरे बैट है ना फ्लाइंग मैमल और वाटर में भी रहते हैं सर वेल और डॉल्फिन द बॉडी इज डिवाइडेड इंटू हेड नेक एंड ट्रंक एंड टेल डॉल्फिन कितनी स्मार्ट होती है ना आपने देखा है ना ह्यूमन को नुकसान नहीं पहुंचाती क्योंकि मैमल है समझदार है उसका ब्रेन काफी डेवलप होता हैड नेक ट्रंक और टेल होती है हम लोग में टेल नहीं ये बात है बात अलग है हम लोग भी मैमल है बट मोस्ट ऑफ द मैमल है काउ में डॉल में कैट में सब में टेल होती है क्लियर एंड द प्रेजेंस ऑफ द मेमरिक लैंड इज द मोस्ट करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ़ द मैमल्स प्रेजेंस ऑफ मेमरिक लैंड यही खास बात है कि इनमें मेमरिक लैंड प्रेजेंट होती हैं एंड देर नंबर वेरीज फ्रॉम टू टू मैनिंग का जो नंबर है वो दो से ज्यादा है जैसे डॉक्स में ज्यादा होती हैं पिग में ज्यादा होती हैं मंकी में दो होती हैं ह्यूमन बिंग्स में दो होती हैं है ना अच्छा अच्छा बताओ तो तो पैरट में कितनी होती हैं आप बताओ मैं आप सोच रहा हूँ पैरेट में कितनी होती हैं अरे भैया पैरेट बर्ड होता है एवीज में आता है उसमें तो मेमरिक लैंड होंगे ही नहीं हाँ, बट well well नॉनल की की तो वो यूनिक होती है इन दर एंड कवर्ड विदिट ग्लैंड पाई जाती है और साथ में शिवेसियस ग्लैंड भी होती है जो वैक्स को सिक्रीट करती है एक ऑयली सबसे करती है और हमारी जो स्किन होती है वो यूनिक होती है क्योंकि उसमें हेयर पाए जाते हैं मैमल्स की बॉडी की यही खास बात है फेदर्स नहीं बोल सकते हैं फाइन हेयर्स पाए जाते हैं पूरी बॉडी पे और ज्यादा भी हो सकते हैं डॉग मैमल है हेयर्स है, होते हैं काउ मैमल है बॉडी में छोटे छोटे हेयर्स होते हैं कैट होते हैं हेयर्स हम लोगों में चूहों में सब में जितने मैमल है सब में होते हैं स्नेक में कभी हेयर देखें स्नेक तो रेप्टाइल होता है वहां पर कहाँ पे हेयर्स आ जाएंगे मैमल्स की पहचान है कि बॉडी में हेयर्स की कवरिंग पाई जाती है हम लोग की बॉडी में भी हेयर्स होते हैं आप देखिए कभी सो so, एक्सोस्केलेटन की बात करेंगे तो उड़ने वाला है तो फेदर्स भी हो सकते हैं हेयर्स होते हैं फर ने क्लॉस हॉर्न्स गाय देखिए ना हॉर्न्स होती हैं घोड़ा टिकली टिकली होते हैं एंड एक्सटर्नल ईयर इज कॉल्ड पिन्ना हमारे एक्सटर्नल ईयर को क्या बोलते हैं ईयर पिन्ना बोलते हैं आर आर प्रेजेंट द स्किन एपिडर्मिस के डेरेवेटिव होते हैं सभी ये एक्सोस्केलेटन जो हमारा होता है हॉर्न हेयर्स वगैरह सब

टू पेयर्स ये हमारे पेंटाटेक्टाइल लिम्ब पाए जाते हैं आर प्रेजेंट फॉर वॉकिंग रनिंग एंड क्लाइंबिंग एंड बरोइंग दौड़ने के लिए चलने के लिए क्लाइंबिंग करने के लिए और बरो बनाने के लिए फ्लाइंग एंड स्विमिंग फोर लिम्स आर मॉडिफाइड एज स्लीपर्स इन वेल्स फोर लिम्स वेल्स में मॉडिफाइड होते हैं एंड द डिजिट्स एंड विद द हॉर्नी नेल्स क्लॉज और जो डिजिट्स होते हैं उसमें हॉर्नी नेल्स होते हैं क्लॉज होते हैं और हुस होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टूडेंट्स बात करते हैं इफ़ यू टॉक अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइज ऑफ द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम लोगों में पाया जाता है डिफरेंट टाइप के टीस होते हैं इंसाइजर केनाइन प्री मोलर्स और मोलर्स अगर कॉर्निंग वो रहे तो केनाइन बड़े हो जाएंगे हर भी वो रहे तो फिर इंसाइजर बड़े बड़े होंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीस होंगे हमारे जॉ में जो अलग अलग फूड हैबिट्स को इंडिकेट करते हैं लंग्स जो होंगे वो स्पॉन्जी होंगे इलास्टिक होंगे एंड द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स को बोलते हैं लैरिंग्स बर्ड्स में क्या था हम लोगों में है लैरिंग्स इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द मैमस ये मैमस में प्रेजेंट होता है ये बात आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि साउंड प्रोड्यूसिंग जो होता है ये मेमस में प्रेजेंट होता है ठीक है ना ये एक इंपॉर्टेंट बात है इज दैट क्लियर एवरीथिंग इज क्लियर लंग्स इलास्टिक होते हैं साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन को लैरिंग्स बोलते हैं आइए आगे बढ़ते हैं हार्ट की बात करते हैं ये ऑफियस बात है हमारे में फोर्थ चेंबर हार्ट होता है और चारों चैंबर पार्टीशन होते हैं वेल प्रॉपर्ली जिसमें दो औरिकल्स होते हैं और दो वेंट्रिकल्स होते हैं टू ऑरिकल्स होते हैं और टू वेंट्रिकल्स होते हैं ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको याद करनी पड़ेगी ठीक है ना तो दो ऑरिकल्स हो गए और दो वेंट्रिकल्स हो गए आरबीसी ओवल बाई कॉन्केव और मेच्योर आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता क्योंकि न्यूक्लियस काफ़ी बड़ा लार्ज सेल स्ट्रक्चर होता है तो सेल्स से आती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हीमोग्लोबिन आ जाए इसलिए उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है मेच्योर आरबीसीज में एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करेंगे तो किडनीज होती हैं एंड दे एक्सक्रीट यूरिया वो यूरिया को एक्सक्रीट करती ब्रेन इज वेल डेवलप्ड ब्रेन इज वेल डेवलप्ड विद लार्ज कंगोलुटेड सेरेब्रम एंड सेरेबेलम तो ब्रेन वेल डेवलप होता है लार्ज कंगुलटेड सेरेब्रम और सेरेबेलम पाया जाता है ट्वेल्व पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व पाई जाती हैं सेंस ऑर्गन की अगर बात की जाए तो वेल well डेवलप अरे हमारे बॉडी में सेंस ऑर्गन आईज ईयर नो आया ना इतने सारे सेंस ऑर्गन है फाइव सेंसरी ऑर्गन होते हैं स्किन तो वेल डेवलप होते हैं ईयर कंप्राइज ऑफ द थ्री रीजन एक्सटर्नल ईयर मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर ईयर की बात करेंगे तो इंटरनल ईयर हो गया मिडिल ईयर हो गया और एक्सटर्नल ईयर हो गया एक्सटर्नल ओपनिंग तो बाहर की तरफ होती है तो एक्सटर्नल ओपनिंग जो होती है वो प्रोटेक्टेड होती है बाई अ लार्ज फ्लैशी पिन्ना दिस इज द ऑडिटरी कैनाल ये एक्सटर्नल ओपनिंग जो है ये ईयर पिन्ना इसको प्रोटेक्ट करता है तो तो प्रोटेक्शन है है, जिसमें अपर वाली तो movable होती, वाली नहीं होती होती। लोअर नहीं बात है भाई हम लोग में कोई बाइसेक् तो होता नहीं है। एक ही बॉडी में दोनों सेक्सो पठा मोस्टली जो होते हैं मोस्टली सभी मैमल्स आपके यूनिसेक्सुअल होते हैं और

एक्सेप्ट प्रोटोथीरियंस को छोड़ दो अगर हैं, हैं। I mean हैं। तो आइए प्रोटोथी जो प्रोटोथिर फर्टिलाइजेशन जो होगा वो इंटरनल होगा एम्ब्रो डेवलप इन दूटरस जो एम्ब्रो है वो यूट्रस में डेवलप होगा ऑब्वियसली बात है यूट्रस होता है तो उसमें डेवलप होगा फर्टिलाइजेशन जो है वो आपका इंटरनल होगा बॉडी के अंदर होगा एंड द फीटस इज कनेक्टेड टू द यूट्राइन वॉल थ्रू द प्लेसेंटा और जो फीटस होता है वो यूट्रस की वॉल से कनेक्टेड होता है प्लेसेंटा के थ्रू तो प्लेसेंटा ही तो एक तरह से कनेक्टिंग लिंक होती है दोनों के बीच में डेवलपिंग फीटस और मदर की बॉडी के बीच में एंड गेट्स न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन सो प्लेसेंटा फॉर्मेशन इज नॉट फाउंड इन प्रोटोथीरियंस प्रोटोथीरियस में प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं होता इफ यू टॉक अबाउट द डेवलपमेंट तो डेवलपमेंट इज डायरेक्ट इफ यू टॉक अबाउट द डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट एंड द लार्वल स्टेज इज नॉट प्रेजेंट लार्बल स्टेज प्रेजेंट नहीं होती है दे आर एमनिट्स ये आपके एमनी होते हैं एंड दैट इज द एम्ब्रियो डेवलप फॉर एम्ब्रियोनिक लेयर्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट So तो डेवलपमेंट जो, जो होता है वो डायरेक्ट होता है लार्बल स्टेज जो होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है ये एमनियोर्ट्स होते हैं इनमें एमनियोनिक एम्ब्रो पाई जाती है मेहता आलम आ चुके हैं बहुत बहुत स्वागत है आपका एंड इनमें ये एमनियॉर्ट्स होते हैं एम्ब्रो जो होता है वो फोर एम्ब्रियोनिक लेयर में डेवलप होता है एमनियोन कोरियोन एलेंटोइस और योगसैक याद कर लीजिए एमनियोन कोरियोन एलेंटोइस और योगसैक आपके ये चार एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती हैं जो एम्ब्रियो के बाहर पाई जाती हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट ये देखिए ये रहे हमारे प्रोटोर्थ ये रहे ये रहे ये हमारे जिसमें मार्सुपियल्स आते हैं मार्सुपियोटोरियंस एक्वेटिक भी होते हैं और जमीन पे भी रहते हैं लेकिन बेसिकली याद रखिएगा ये वो मैमल है जिनमें मेमरिक लैंड तो पाई जा रही हैं, में में हैं बट ये एग एगलेइंग मैमल होते हैं दिस इज अ डकबिल प्लेटिपस दिस इज अ डकबिल प्लेटिपस एंड दिस इज एकिडना

फुल्ली डेवलप बेबी अपने जैसा बिल्कुल मेच्योर इनके जैसा पैदा होगा बीबीपेर जनरली बीवी पेरस ही होते हैं यंगटिपस विच इज ओवी पेरस प्लेटिप ओवीपेरस होता है पेरेंटल केयर हाईली डेवलप्ड होती है दे फीड देयर यंग वंस ऑन देअर मिल्क एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमीज यह एनिमीज से भी बचाता है एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो आता है मैक्रोपस मैक्रोपस मीनस कंगारू टेरोपस फ्लाइंग पॉक्स कैमेलस कैमल मका मका मलाटा मॉकी रेटस स्नेक डॉग फेलिस कैट एलिफस एलिफेंट एक्व हॉर्स ठीक है ना डॉल्फिनस डॉल्फिन dolphin, और कॉमन डॉल्फिन एंड द बेलोनोप्टेरा एंडल ब्लू वेल पैंथरा टाइग्रिस टाइगर पैंथरा लियो शेर पेंथरा पार्डस लेपर्ड दिया नहीं बट लिख लो पैंथरा पार्डस लेपर्ड बहुत सारे मैमल है आप लिख सकते हो तो मैक्रोपस कंगारू मार्सुपल मैमल है कैमलस कैमल फेलिस मीन कैट कैन इस मीन स्टॉक है ना ये सारी चीजें हैं बेलन टेरा नाम होता है किस क्या बताइए बेलन टेरा होता है वेल का नाम याद कर लीजिएगा डेल्फिनस डॉल्फिन ये दोनों में अमल है ठीक है न याद रखिएगा आइए इस टेबल से समझते हैं पूरे चार्ट को सो तो दिस इज दलियंट फीचर्स ऑफ द डिफरेंट फाइला इन द एनिमल किंगडम देखिए ये टेबल दी हुई है आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए फटाक से पहले तो इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए और आप इससे कंपेयर कर सकते हैं कि पोरीफेरा सेलिंडेटा टीनोफोरा प्लेटिल एस एल मस एनिंडा में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है जो मैं आपको सब कुछ पढ़ा चुका हूँ सिमेट्री कैसी है सीलोम किसमें कैसी है सेगमेंटेशन कैसा है डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा किसमें है किस में है किस में नहीं है किस में ओपन है किस में क्लोज है रेस्पिरेटरी सिस्टम किस में कैसा है डिस्टिंक्टिव फीचर क्या क्या होते हैं ये एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए मैं हट जाता हूँ ले लीजिए फटाक से स्क्रीनशॉट ले चुके हैं ऐसे ही ये आगे का है दूसरे आगे के बच्चे में फाइलम्स का फाइलम आर्थो कोडा का एकाइनोडर्मेटा हेवी कोडेटा कॉडेटा का भी सेम वही चीज़ है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको याद कर सकें आपकी सहूलियत के लिए एनसीईआरटी का ये चार्ट ताकि आप कंपेयर कर सकें ऑलरेडी आप सब कुछ पढ़ चुके हैं सब कुछ आपने इसमें पढ़ा हुआ है बस आपको सिर्फ स्क्रीन शॉट लेके कंपेयर करके याद करना है ठीक है ना आई होप आपने ले लिया होगा इस तरह से आज के इस लाइव सेशन को हमने फिनिश किया थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स आपको सारी बातें समझ में आई होंगी ये चैप्टर इसी साथ फिनिश होता है नेक्स्ट रन पे हम एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे दैट इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर फाइव ओके सो आज की क्लास में पे फिनिश करते हैं बहुत जल्दी आपसे नेक्स्ट मुलाकात करेंगे अपने लाइव सेशन में तब तक ले पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए मिलेंगे बहुत जल्द लाइव ओके बाय बाय